करो। हेलो फ्रेंड्स, एंड लेट्स हैव अ लुक एट सम एथिक्स क्वेश्चंस एंड वी विल ट्राई टू गिव द मार्क्स आल्सो। और हम ये देखना चाहेंगे व्हाट वी कैन लर्न आउट ऑफ इट एंड हाउ मच वी आर एबल टू गेन आउट ऑफ द एक्सरसाइज, सो दैट वी कैन राइट विद इन द टाइम लिमिट। एवरी स्टूडेंट हैज देयर ओन इश्यूज। सम पीपल राइट विद वेरी गुड वर्ड्स, बट दे मे बी यू नो हैविंग टाइम इश्यू। सम आर हैविंग नो प्रॉब्लम विद द टाइम मैनेजमेंट, बट द क्वेश्चन समवेयर गेट स्वेड इन बिटवीन द आंसर। इट्स अ वेरी इंट्रिकेट एंड अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जस्ट बी विद मी एंड बी वेरी काम एंड पेशेंट एंड लेट्स सी। रशिया एंड यूक्रेन वॉर हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 7 मंथ। डिफरेंट कंट्रीज हैव टेकन डिफरेंट स्टैंड्स एंड एक्शंस, कीपिंग इन व्यू देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। वी आर ऑल अवेयर द वॉर हैज इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्रेजेडी। वट आर द एथिकल इश्यूज दैट आर क्रूशियल टू बी कंसिडर्ड वाइल लॉन्चिंग द वॉर and its contribution so far and its continuation so far, illustrate with justification the ethical issues involved in the given state of affair. The last ki char line hai, sirf ek hi cheez ki baat kar rahi hai ki bhai war jo ho raha hai aur jo continue ab tak ho raha hai uska aap jo hai ethical impact kya hai, uske ethical impact kya hai, ethical issues kya nikal ke aate hain war ke, aur roz aa raha hai paper mein, wo पेपर में रोज आ रहा है, चाहे वो बच्चे रोते हुए दिखाए, चाहे वो बूढ़े रोते हुए दिखाओ, चाहे वो बिल्डिंग टूटी हुई दिखाओ, चाहे वो पानी बहता हुआ दिखाओ, चाहे वो बिजली जाती हुई दिखाओ, चाहे वो पोल्यूशन की बात करो, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर की बात करो, सब चीजें इस आंसर में आ जाए। ये सारे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। चलिए क्या लिखा गया, लेट्स सी। एथिकल इश्यूज क्रूशियल वाइल लॉन्चिंग अ वॉर। एथिकल इश्यूज क्रूशियल है, एथिकल इश्यूज क्रूशियल वाइल लॉन्चिंग वॉर एंड इट्स कंटिन्यूशन आर एज फॉलोज। अच्छा, अब इसको हमने ज्यादा मतलब, अब यहाँ थी जरूरत कि पहली एक लाइन हमें लिखनी चाहिए थी, लेकिन हमने वो एक लाइन नहीं लिखी, हमने बजाय इसको आंसर की तरह लिया। ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, रशिया यूक्रेन आर्मेनिया अजरबैजान। सिर्फ ये रशिया यूक्रेन की बात कर रहा है वैसे तो। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इन इकोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। एमुनेशन इंक्रीजिंग डिस्ट्रॉय, ठीक बात है। चलिए आगे, थ्रेट टू नेचुरल राइट्स, शॉर्टेज ऑफ फूड, पोस्टर एथिकल डेलिमा एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन वेजिंग कंटिन्यूशन ऑफ वॉर। तो देखिए पॉइंट तो सारे हो गए, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन के बाद आइए फिर से। क्वेश्चन कह रहा था कि भाई एथिकल इश्यूज जो इन्वॉल्व हैं उनको इलस्ट्रेट करके जस्टिफाई करो। हमने नैरेट कर दिया, यानी कि वो कहना चाह रहा है पहला एथिकल इश्यू क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहला, सबसे बड़ा एथिकल इश्यू है, इट इज मतलब वायलेशन, बेसिकली वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है सबसे बड़ा एथिकल इश्यू मेरे। अगर आप एक बात को इससे भी बड़ा हम कुछ बोल सकते हैं, ऑब्वियसली लाइफ तो है ही, पर एथिकल इश्यू की बात हो रहा है, तो ह्यूमन राइट इज एन एथिकल इशू, तो वो हमने उसको लेके आना चाहिए था। एक एथिकल इशू वो हो गया, ह्यूमन राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, उसके बाद सिटीजन्स के अपने यू नो मोरल, और एक एंगल बता रहा हूं मैं, बाकी तो है ही, इन्वायरमेंट भी है एथिकल इशू में। इन्वायरमेंट आपने एड्रेस आपने सब किया पहले से, बहुत अच्छा है, लेकिन विल गेट अराउंड से 3 to 3.5 मार्क्स एट मैक्स इन दिस आंसर। चलिए नेक्स्ट। विसल ब्लोअर हु रिपोर्ट्स करप्शन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, रॉन्ग डूइंग एंड मिसकंडक्ट टू द कंसर्न अथॉरिटीज, रन द रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज टू गिव ग्रेव डेंजर, फिजिकल हार्म, विक्टिमाइजेशन बाय द वेस्टर्न इंटरेस्ट, अक्यूज पर्सन एंड हिज टीम। व्हाट पॉलिसी मेजर शुड बी सजेस्टेड टू स्ट्रेंथ द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू सेफगार्ड विसल ब्लोअर। चलिए, तो अब इस आंसर को अगर मैं लिख रहा हूं, वो बोल रहा है व्हाट पॉलिसी मेजर्स, पॉलिसी मेजर बताने हैं। तो विसल ब्लोअर अकॉर्डिंग टू सीबीसी एक्ट इज एनी इंडिविजुअल हु ब्रिंग्स इन द लाइट द इवेंट्स करप्शन मिसकंडक्ट एक्सेट्रा कंसर्न अथॉरिटीज एंड। ठीक बात है, चलिए। पॉलिसी मेजर आपने कहा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, बहुत बढ़िया। मोर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, लेकिन वो भी एग्जैक्टली बता दो। इनहेंसिंग द स्कोप ऑफ इट ज्यूरिसडिक्शन इंक्लूडिंग हाई लेवल ऑफिसर्स एंड डिग्नेटरीज, ठीक बात है। प्रोटेक्टिंग द एनोनिमस नेचर, बिल्कुल सही बात है। और चलिए, फाइनेंशियल सपोर्ट, ओके, मोर इंसेंटिव, हेल्दी वर्क कल्चर, ठीक बात है। उसके बाद जो है ग्रांट इन एड, ठीक है, हाँ जी, लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है, दोनों को रोको, 5 मिनट रुकेंगे। लीगल प्रोटेक्शन, पनिशमेंट, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर हम और थोड़ा स्पेसिफिक हो सकते थे। आप थोड़ा सा एथिकल मोरल लेके आते, सोशल अवेयरनेस करो, स्कूल में प्रोग्राम भी करो, और उसके बाद जो है और एक दो चीजें भी बताई थे, तो वो और अच्छा हो जाता। बट आई थिंक इट्स अ गुड जॉब। आई थिंक अराउंड 3.5 to 3.8 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। हेलो,
Online methodology is being used for day-to-day meetings, institutions, approvals in the administration, and for teaching and learning and education sector to extend telemedicine in the health sector. Sahi baat hai, getting popular approval with the content. No doubt it is advertised, both the beneficiaries and the system at large. Ethical issue involved kya hai online methods mein? Particularly, vulnerable section of society ke liye kya hai? तो चलिए चलिए ऊपर जरा. ऑनलाइन मेथोडोलॉजी, एजुकेशन, क्लासरूम, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दीक्षा पोर्टल, टेलीमेडिसिन, एथिकल इशू बताने हैं हमें. आपने जो पहला चार्ट बनाया वो एथिकल इशू नहीं बता रहा, वो एथिकल इश्यूज को डायरेक्ट लेके आना है, ना कि ऑनलाइन मेथोडोलॉजी. मतलब आप उसके एथिकल इश्यूज को लेके आइए. चलिए नीचे क्या लाए दिखाइए. थ्रेट टू प्राइवेसी. हाँ डेटा है, बिल्कुल सही बात बोले. वल्नरेबल सेक्शन की अवेयरनेस नहीं है सबसे बड़ा, ये डिजिटल डिवाइड का है सबसे बड़ा सेक्शन. एथिकल सबसे बड़ा एथिकल इशू है कि डिजिटल डिवाइड है और उनको आइडिया ही नहीं है कि ये काम कैसे करता है और ये सिस्टम क्या है, इसीलिए उनका डेटा ब्रीच, डेटा चोरी होने की बात है. इलिटरेसी का जो आपने बात बोली वो भी वही है, वो डिजिटल एजुकेशन से जुड़ जाएगी. और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी का इशू है, एथिकल ये एथिकल जो आपने पॉइंट नंबर थ्री बोला, चिल्ड्रन और पेरेंट के लिए है. उससे जो है ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्वियसली जो जो कि दुनिया भर का जो उल्टा सीधा लिटरेचर है वो भी है, वो भी खतरा है. आई एग्री विद यू. तो ठीक है, कुल मिला के आंसर का स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश हुई, 3 साढ़े 3 नंबर और 4 तक भी मुश्किल से पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अभी इतना लेवल आया नहीं है पर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट. ऑनलाइन न्यूरोलॉजी का एक और आंसर हम देखते हैं. चलिए, इंडिया विटनेस ए मैसिव शिफ्ट, डिजिटाइजेशन हो गया, ईजी एक्सेसिबिलिटी टू सर्विसेज, सही बात है, एडवांटेजेस हो गए, रिडक्शन इन कॉस्ट हो गया. चलिए ये दोनों बातें तो ठीक हैं, लेकिन एथिकल इशू कहाँ है? डिसएडवांटेज एंड एथिकल इशू. ऑनलाइन मेथोडोलॉजी विल नॉट एड ट्राइबल पॉपुलेशन. सिर्फ ट्राइबल ही नहीं है, मैंने जैसे बोला बहुत बड़ा सेक्शन है, कॉस्ट है, इक्विपमेंट्स की कॉस्ट है वो भी है, डिजिटल डिवाइड भी है, एक्सेस टू इंटरनेट अपने आप में एथिकल इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है. लार्जेस्ट पॉवर्टी इन इंडिया, अब ऐसा नहीं बोल सकते आप, लार्जेस्ट पॉवर्टी इन इंडिया थोड़ा ज्यादा हो गया, गलत हो गया यहाँ पर. फिर आप बोल रहे हो बेसिक डिमांड तो पूरी हो तब कुछ होगा. ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इज नॉट हार्मफुल अंटिल इट इज रेगुलेटरी एंड कंट्रोल. ठीक है, मतलब लेकिन इतना आंसर में इतने डायमेंशन अब इतना तरीके से आया नहीं. चलिए नेक्स्ट. रशिया यूक्रेन वॉर हमने पहले भी बात की, यू विल सी इट अगेन. एथिकल इशूज, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, वही जैसे मैंने बोला ह्यूमन राइट्स हो गए. फिर उसके बाद बेसिक लिविंग है ह्यूमन, जो सिविलियन पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन होता है वो एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है, फोर्स माइग्रेशन है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन है. उसके बाद टेररिज्म तो अपने आप में है ही, वो भी एक एंगल है. फिर पूरे वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज होते हैं वो मिसयूज हो रहे हैं, एक एथिकल इशू है. इससे जो अमेरिका की जो गन लॉबी है, मिलिट्राइज नेशन जो डेवलप्ड नेशन है उनको एक अनड्यू फेवर मिलता है. चलिए आगे, ग्लोबल रिपरकशंस. चलिए आगे, ठीक बात है, एथिकल इशू, ह्यूमन राइट्स आपने लाए बाद में लेके आए, ठीक बात है. नॉन पार्टिसिपेंट्स इन वॉर, इन्फ्लेशन हो गया, नेटो एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, पॉइंट्स हैं, लेकिन एथिक थोड़ा सा और वो हो सकता था, इसमें भी 4 नंबर तक आ सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं आए. विसल ब्लोअर करेज बोला, पॉलिसी मेजर क्या है, एनोनिमिटी, बिल्कुल सही बात है. चलिए, ऑनलाइन सबमिशन वाया ना, बिल्कुल समझाया आपने, ये बहुत अच्छी बात है. टीचिंग जॉब ट्रांसफर सेफ, क्यों जाए भाई अपना घर छोड़ के, वो उसको ना जाना पड़े, कमाल है. मतलब जो काम कर रहा है उसी की तो मंडा मंडी एक बार पोस्टिंग करवाओगी, तो इससे नंबर कट गए, ठीक है ना. अच्छा जी, पहले पर्सन को अकाउंटेबल बना दो, नहीं ऐसा नहीं है, देर हैज टू बी सिस्टमेटिक अप्रोच. विसल ब्लोअर कैन बी प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी पर्सनल ताकि सबको पता लग जाए. अरे सोसाइटी को ठीक करने की बात करो ना, चीजों को और ठीक करने की बात करो, आदमी को आप क्या क्या कर दोगे, कितने लोगों को आप पुलिसमैन दोगे भाई. कैन रिपोर्ट डायरेक्टली टू हाईएस्ट अथॉरिटी. अरे भाई आप लिखो, एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें हाईएस्ट अथॉरिटी तक एक्सेसिबिलिटी हो. विसल ब्लोअर प्ले एन इंपॉर्टेंट एंड अचीव एक्टिव रोल इन क्लीनिंग. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए नेक्स्ट, 3.5 नंबर मुश्किल से. हाँ, ईरा ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. चलिए, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन इज लेफ्ट बिहाइंड. चलिए अच्छी बात है, पर कैसे, रिड्यूस्ड ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है सबसे, बहुत अच्छी बात बोली. देखा, ये कोई लेके नहीं आया था. ऑनलाइन से पर्सनल कनेक्ट खत्म हो जाता है, डिसिप्लिनरी एटीट्यूड खत्म हो जाता है, इक्विटी और इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी वाली बात खत्म हो जाती है. बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं. वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट मिल सकता है टेलीमेडिसिन से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है उसका, डीबीटी कृषि ज्ञान. चलिए आगे, चलिए चलिए ठीक है, चलेगा. 3.5, 4, 4.1,
विशल ब्लोअर संजीव चतुर्वेदी, उसका नाम भी दे दिया, बहुत अच्छी बात है, विशल ब्लोअर बहुत अच्छा किया। चलिए आगे, करेजियस सेल्फ सेक्रीफाइस नॉट इजी, क्या करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत बढ़िया, पब्लिक इंटरेस्ट, चलो आगे चलो आगे चलो, विटनेस प्रोटेक्शन आगे चलो, मेंटल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बचाओ, पुलिस सेंसिटाइज करो, पब्लिक स्पिरिटेड, हाँ इसमें आएगा 4.5-5 नंबर, 4.5 नंबर आराम से आ जाएंगे इस आंसर। चलिए आगे, रशिया यूक्रेन वॉर हैज टू बी पार्ट ऑफ बट नॉट जस्ट वॉर, महाभारत रामायण क्या जरूरत है भाई लेके आने की, जबरदस्ती कुछ भी मतलब गलत हो गया सब खत्म, 2 नंबर, चलो ये आंसर नहीं है, ये महाभारत है। चलिए आगे चलिए, कौन पढ़ेगा साला इसको, एग्जाम को काम नहीं है क्या, 19 पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, सब कुछ आ गया था, कुछ रहा है, बल्कि ये आंसर खून से लिखा जाना चाहिए, पेन को लीजिए हाथ मर ऐसे अंगूठे से खून निकालिए और इस पे 2 बूंद डालिए और लिखिए भारत माता की जय, तब आंसर पूरा होगा ना, आंसर पूरा कहाँ हुआ है। चलिए हो गया, बंद करिए, थैंक यू। तो आंचल आपकी क्या टेकअ है? सर टेक अवेज टेक अवे का मतलब पिज्जा नहीं है, मैं टेक अवे का मतलब क्या हाँ जी सर, एनालिटिकल अप्रोच और सर मतलब मस्ट फोकस व्हाट क्वेश्चन बीइंग आस्किंग, तो उस क्वेश्चन को मतलब 2 बार पढ़ के तो थोड़ा अच्छे से समझ के फिर लिखा जाना चाहिए ताकि हम इधर उधर की बात ज्यादा ना करें और मतलब पॉइंट टू पॉइंट हो। चलिए ठीक है, धन्यवाद दिव्या जी, आपका क्या कहना है? ये सर, हाँ सर क्वेश्चन की अप्रोच को देखना है और उसके साथ साथ अगर डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है फिर जो चीजें फेस करते हैं, जैसे आपने कहा था फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि काफी चीजें कनेक्ट की थी जो जरूरी है विशल वाले में, तो उन चीजों को अप्रोच को उस तरह से फॉलो किया जा सकता है। चलिए बढ़िया, परवेश जी आपका क्या कहना है? बस सर मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, करे चलो बढ़ते चलो। मानसी सर थोड़ा और डायमेंशंस पे वर्क करना है मेरे को, मतलब इसमें थोड़ा मेरे को यही लैकिंग लगा। ओके आशिक, लास्ट वाला क्वेश्चन में वो डिमांड ही पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन गलत तरीके से लेके चले, तो वैसे टाइप क्वेश्चन में सिंपल रखना है इसको, ऐसे वन सीन रखा, ज्यादा नहीं सोचना।